भोजाई में ड्रग तस्करी, दूध व्यापारी गिरफ्तार। ड्रग तस्करी में लिप्त मिल्क बस्ती का निवासी गिरफ्तार। ड्रग तस्करी पर सख्ती, पुलिस का निरंतर अभियान जारी। ड्रग तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी सफलता, आम जनमानस में हड़कंप। होजाई में ड्रग तस्करी का संकट गहराता जा रहा है। पुलिस के निरंतर प्रयासों और अभियानों के बावजूद नशीले पदार्थों की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी संदर्भ में बृहस्पतिवार को होजाई पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी निखिल राय और एसी रंजीत बुरागुहाई के नेतृत्व में पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर रामपुर इलाके में छापा मारा। इस छापेमारी में एक दूध व्यापारी हरिभजन को गिरफ्तार किया गया। हरिभजन मिल्क बस्ती का निवासी है और लंबे समय से दूध व्यापार के साथ साथ ड्रग तस्करी में भी संलिप्त था। पुलिस ने उसके पास से लगभग 296 ग्राम ड्रग्स जब्त की, जो 5 साबुन की डिब्बियों में छुपाई गई थी। इसके अलावा 6000 नगद, एक मोबाइल फोन और स्कूटी भी बरामद की गई। इस छापेमारी की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। होजाई पुलिस ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए दूध व्यापारी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का मानना है कि हरिभजन अकेला नहीं है, बल्कि एक बड़े ड्रग तस्करी नेटवर्क का हिस्सा है। इस नेटवर्क को पकड़ने के लिए पुलिस अन्य संदिग्धों पर भी निगरानी रख रही है और जल्द ही और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। इस घटना के बाद आम जनमानस में हैरानी और चिंता का माहौल है। लोग हैरान है कि कैसे एक दूध बेचने वाला व्यक्ति ड्रग तस्करी में लिप्त हो सकता है। ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि ड्रग तस्करी का जाल समाज के हर वर्ग में फैल चुका है। पुलिस प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वे सतर्क रहे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दे। होजाई में ड्रग तस्करी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और पुलिस प्रशासन इस पर सख्ती से नकेल कसने का प्रयास कर रहा है। इस घटना ने एक बार फिर से ये स्पष्ट कर दिया है कि ड्रग तस्करी के खिलाफ लड़ाई में सामूहिक प्रयास की जरूरत है। पुलिस की सक्रियता और आम जनता की सतर्कता ही इस समस्या का समाधान हो सकती है। होजाई पुलिस इस प्रकार के मामलों में तेजी से कार्रवाई कर रही है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि शहर को ड्रग्स मुक्त किया जा सके। होजाई से निखिल कुमार मुंड्रा की रिपोर्ट, सच द रियलिटी।